डियर स्काउट्स एंड गाइड्स, जय हिंद। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आइए आज हम आपकी आरपी डिजास्टर मैनेजमेंट की लॉग बुक के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी डिजास्टर मैनेजमेंट की लॉग बुक का जो सिलेबस है वो 10 यूनिट्स में बटा हुआ है। पहले में डेफिनेशन है डिजास्टर की, दूसरे यूनिट में डिजास्टर के प्रकार हैं और वर्किंग एजेंसी हैं तीसरे यूनिट्स में। तो 10 यूनिट में बटा हुआ ये सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके लिए जान लेना ये ज़रूरी है कि डिज़ास्टर क्या होता है। डिज़ास्टर एक ऐसी अवांछनीय घटना होती है जिसे मनुष्य, मानव जाति नियंत्रित नहीं कर सकते और उसके प्रभाव सभी वर्गों पर, चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग हो, सभी को समान रूप से सहने पड़ते हैं। आज जिस दौर में मैं और आप गुजर रहे हैं, उस दौर में COVID-19 एक डिजास्टर के रूप में हम सबके सामने है और उसे हम सब उसके प्रभावों को झेल रहे हैं। तो डिजास्टर का प्रभाव मानव जाति के साथ साथ पर्यावरण पर भी पड़ता है। पर्यावरण के विभिन्न घटक भी डिजास्टर से प्रभावित होते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि डिजास्टर वह घटना है, वह दुर्घटना है या वह अनहोनी है। वास्तव में डिजास्टर प्रॉब्लम का, समस्या का एक बहुत बड़ा रूप है। मान लीजिए हंगर है, हंगर भूख है, वो एक प्रॉब्लम है सिर्फ। लेकिन जब वो फेमाइन में या ड्रॉट में कन्वर्ट होती है, जब वो सूखा या अकाल में परिवर्तित होती है, तब हम उसे डिजास्टर कहते हैं। वास्तव में डिजास्टर किसी भी समस्या का विकराल और बड़ा रूप होता है जो विभिन्न दुष्प्रभावों के साथ हमारे सामने आता है। मैंने आपको उदाहरण दिया भूख का। भूख एक समस्या है, लेकिन जब उसका विस्तार होता है, विकराल रूप धारण करती है, तब वो हमारे सामने अकाल या सूखे के रूप में प्रकट होती है। डिजास्टर दो प्रकार का होता है, एक है नेचुरल डिजास्टर और दूसरा है मैन मेड डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर बाय नेचर आप अर्थक्वेक की बात कर सकते हैं, सुनामी की बात कर सकते हैं, आप फ्लड की बात कर सकते हैं, सूखा, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, ये तमाम वो डिजास्टर्स हैं जो बाय नेचर हमें मिलते हैं। इनके आने का समय निश्चित नहीं होता, कभी भी, कहीं भी, कितनी भी मात्रा में, कितने भी विस्तार के साथ ये आ सकते हैं। दूसरे हैं मैनमेड डिजास्टर, जो आदमी की गलती से हमें झेलने पड़ते हैं, जिसमें आप युद्ध या बम ब्लास्ट या ट्रेन एक्सीडेंट्स या प्लेन क्रैश या फिर फायर की बात कर सकते हैं। ये तमाम वो डिजास्टर्स होते हैं जो किसी की गलती से, अगर आप भोपाल गैस कांड की बात करेंगे तो वो मैन मेड डिजास्टर था जो एक किसी की गलती से हुआ। यानी डिजास्टर का वो रूप जिसमें मानव की भागीदारी होती है, जो मानव की गलती से होता है, उसे हम मैन मेड डिजास्टर कहते हैं। तो दो तरह के डिजास्टर हुए, नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर। अब COVID-19 को लेके जो इस वक्त पूरे विश्व में विवाद है, वो विवाद ये है, क्या COVID-19 मैन मेड डिजास्टर है और नेचुरल डिजास्टर है। इस वक्त ये पूरे शोध और विवाद का विषय है, क्योंकि विश्व के बहुत से देश चीन की तरफ संकेत कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये शोध और विवाद का विषय है कि COVID-19 नेचुरल डिजास्टर है या मैन मेड डिजास्टर है। मैन मेड डिजास्टर हो या नेचुरल डिजास्टर, उसके दुष्प्रभाव बहुत सारे होते हैं और उन प्रभावों को कम करने के लिए मानव का विभिन्न एजेंसी जो डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करती हैं, उनका एक्टिव होना, उनका सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज़ है, इसके अलावा एनवायरनमेंट इंडस्ट्रीज़ है, हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ है, फॉरेस्ट मिनिस्ट्रीज़ है। जब भी कोई डिजास्टर आता है, ये महत्वपूर्ण वो एजेंसीज हैं, वो इकाई हैं जो उस समय अपने अपने क्षेत्र में विशेष सुविधाएँ देती हैं। अगर आप PWD की बात करेंगे तो वाटर है, इसके अलावा एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो है वो एनवायरनमेंट की, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो जंगलों में कहीं आग ना लगे या कहीं आग लग गई, डिजास्टर आ गया है, उस समय एक्टिव होती है।
हेल्थ डिपार्टमेंट्स, अब आप देख रहे हैं COVID-19 में हेल्थ डिपार्टमेंट्स जो है बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के साथ हम सबको सेवाएं दे रहा है, और हेल्थ डिपार्टमेंट के वर्कर्स, डॉक्टर्स दिन रात काम कर रहे हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण एजेंसीज किसी डिजास्टर मैनेजमेंट में होती है वो होती है मिनिस्ट्रीज़। सभी मिनिस्ट्रीज़ नेशनल लेवल पे काम करती हैं। इसके साथ साथ नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी होती है जो किसी भी आपदा के समय एक सेंट्रल लेवल पे ही क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप होता है, रिलीफ कमिश्नर होता है। ये सब मिनिस्ट्रीज और कमेटी ग्रुप और कमिश्नर्स एक कंट्रोल रूम के माध्यम से जो उस समय आपातकालीन स्थितियों में विशेष एमरजेंसी में बनाया जाता है काम करते हैं। और इसी तरह से इसी वर्क को, इसी चीज़ को, इसी एक सीक्वेंस को हम स्टेट पर लेकर आते हैं। इस तरह जिस तरह से नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, ऐसे ही स्टेट लेवल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, स्टेट लेवल कंट्रोल रूम है, स्टेट लेवल कमिश्नर है। तो मिनिस्ट्री के बाद ये विशेष अंग है। और इसी तरह जब आप हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स हमारे सामने हैं, डिस्ट्रिक्ट रिलीफ कमेटी है, ब्लॉक लेवल पर भी जो है SDM इसके लिए काम करते हैं। और दो महत्वपूर्ण संस्थाएं जो रहती हैं, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जो NDMA वास्तव में सेंट्रल लेवल पर पूरे देश के लिए पॉलिसी और प्लान करता है कि क्या पॉलिसी रहेगी। इस संदर्भ में आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 देख सकते हैं, और जो डिसीज़न है डिजास्टर के बारे में, अब आप देख पा रहे होंगे लॉकडाउन जब लगता रहा या बहुत सारी जो प्रक्रियाएं हमारे सामने आई COVID-19 में, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका NDMA की थी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्लान करता है ये अथॉरिटी, और इसके साथ साथ रिस्पांस सिस्टम पे बहुत बेहतर काम करता है। कहीं भी किसी भी राज्य में अगर मान लीजिए केरल में बाढ़ आई है, तो उस समय NDMA स्पेशल प्लानिंग करके सभी यूनिट्स को इकट्ठा करते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए एक रिस्पांस सिस्टम डेवलप करता है। इसी तरह स्टेट लेवल पे भी अथॉरिटी होती है, एक मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है। उसका काम एनुअल प्लानिंग करना होता है किसी भी राज्य के लिए, एनुअल प्लानिंग करती है, फाइनेंस को देखती है, और उसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी भी काम करती है जो रिकवरी प्लान पर विशेष रूप से काम करती है। ये वो एजेंसी हैं। इसके अलावा UNO है, एक बेहतर विकल्प के रूप में हम सब के सामने है। बहुत सारी NGO काम करती हैं, और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जिन्हें हम CBO कहते हैं, वो भी डिजास्टर से जुड़े होते हैं। तो ये तमाम वो इकाइयां हैं जो डिजास्टर के समय हम सब के लिए बेहतर विकल्प के रूप में आती हैं। सवाल यहाँ पर मिनिस्ट्रीज़ का या NDMA का या SDMA का या डिस्ट्रिक्ट लेवल का या ब्लॉक लेवल का नहीं है, बल्कि सवाल इस बात का है कि उस समय रिकवरी जो प्लान है, एमरजेंसी प्लान जो है, वो तुरंत काम करे। फायर सेफ्टी के बारे में बहुत बार जो है आपको याद आता होगा, डबवाले का वो 1995 की घटना जो एक मैन मेड फायर थी, और बहुत सारे फैक्टर वहाँ पर थे जिस कारण डबवाले कांड हुआ और 442 जो बच्चे और बड़े थे उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो गई। कुछ ऐसे फैक्टर्स वहाँ पर थे जिस कारण ये जो छोटी सी घटना थी, आग की एक छोटी सी चिंगारी जो है वो डिजास्टर के रूप में कन्वर्ट हुई, बदल गई। टेंट की छत जो है वो एक तरपाल की बनी हुई थी, इलेक्ट्रिकल वायरिंग पे टेपिंग नहीं की गई थी, जनरेटर वहाँ पर था और बिल्कुल टेंट के साथ ही LPG सिलेंडर से खाना बन रहा था। ये तमाम वो फैक्टर्स थे जो उस आग की छोटी सी घटना को रोक सकते थे, लेकिन इन सब फैक्टर्स ने उस घटना को बहुत अधिक विकराल रूप दिया, और उसके बाद बहुत सारी जिंदगियां मौत के कफन में दफन हो गई। फायर सेफ्टी के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि फायर सेफ्टी में तीन एलिमेंट्स काम करते हैं। पहली है ऑक्सीजन, ये महत्वपूर्ण एलिमेंट्स होता है। अगर कभी भी किसी वस्तु को ऑक्सीजन ना मिले, आग जल ही नहीं सकती बिना ऑक्सीजन के।
यानी वहाँ का तापमान, जलने वाली वस्तु और ऑक्सीजन की उपस्थिति। जब कभी कमरे में आग लगी हो तो एकदम खिड़की दरवाजे नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि उससे ऑक्सीजन अधिक मात्रा में अंदर आएगी और जो आग की लपटें हैं वो बहुत अधिक तेज हो जाएंगे। इसलिए फायर सेफ्टी के समय ये ध्यान रखें कि जब भी कभी ऐसी दुर्घटना हो उस समय ऑक्सीजन को, बहुत बार हम जब घायल लोग होते हैं उन्हें कंबल उठाते हैं बहुत क्विकली, कंबल उठाने का मतलब यही है कि जो ऑक्सीजन का कनेक्शन है वो कट कर दिया जाए। तो फायर सेफ्टी में ध्यान रखना है सबसे पहले कि जब भी ऐसी स्थिति हो तो O2 जो कनेक्शन है, ऑक्सीजन का जो कनेक्शन है वो कट कर देना है। डिजास्टर तैयारी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि डिजास्टर प्रिपेयरनेस से हम डिजास्टर के प्रभावों को बहुत कम या मिनिमाइज कर सकते हैं। और इस तैयारी को आप बहुत से संदर्भ में देख सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास योजना होगी, हम पहले तैयारी कर लेंगे डिजास्टर का सामना करने की, तो हमारी जो विशेष ज़रूरत वाले संवेदनशील समूह हैं, जिसमें महिला, छोटे बच्चे, वृद्धजन और विकलांग लोग, इनको हम लेकर चलते हैं। इसी प्रकार जो हमारा पशुधन है या आवास है, जो बुनियादी ढांचे हैं, उनको संदर्भ में रख के हम प्लानिंग कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। डिजास्टर प्रिपेयरनेस की मतलब आप कहें आपदा की तैयारी में समुदाय की जो भागीदारी है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समुदाय अगर डिजास्टर के लिए तैयार होगा तो वो बेहतर ढंग से सामना कर पाएगा और अपनी पूरी क्षमताओं का वो उपयोग कर पाएगा, और स्थानीय स्तर पर आपदा से पूर्व या आपदा के बाद जो भी समस्याएं रहती हैं उन समस्याओं के लिए समुदाय को तैयार करना एक महत्वपूर्ण घटक है आपदा प्रबंधन का। इसके साथ साथ सूचना, शिक्षा, संचार और प्रशिक्षण की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, जो हम ठीक डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारी से पहले करते हैं। जितना सिस्टम इन्फॉर्मेटिव होगा, जितनी सूचना लोगों के पास होगी, उतनी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, वार्निंग सिस्टम्स होंगे, तमाम तरह से हम लोगों को बचा पाएंगे। इसके साथ साथ केंद्र, राज्य, जिला और स्थानीय प्रशासन की भूमिका को भी हमें सुनिश्चित करके कार्यों को बांट देना चाहिए। हम आपदा तैयारी की जब बात करते हैं तो अर्धसैनिक बल और राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काउट्स और दूसरे अन्य जो संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, उनकी भूमिका से इनकार नहीं कर सकते। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जिसमें गैर सरकारी संगठन शामिल हों, समुदाय आधारित संगठन शामिल हों और मीडिया, ये तमाम सभी फैक्टर्स मिलके आपदा के प्रभाव को न्यूनीकरण की ओर करते हैं। यानी आपदा तैयारी में हम कुछ ऐसे स्टेप्स, कुछ ऐसी पॉलिसी, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जिससे जो डिजास्टर के इम्पैक्ट हैं या इफेक्ट हैं उनको हम मिनिमाइज कर दें या न्यूनतम कर दें या न्यूनीकरण की ओर लेके जाएं। वास्तव में इस चरण का उद्देश्य है, आपदी तैयारी जो चरण है ये महत्वपूर्ण चरण, इसका उद्देश्य ये रहता है कि हम डिजास्टर की तैयारी करके डिजास्टर के प्रभाव को कम कर दें। यानी हम वो टेक्निक, वो प्रिकॉशंस, वो सावधानी समुदाय में ट्रेनिंग के रूप में लेकर जाएं, जो उस समय आपदा के समय हमारी सहायता कर सकें। एक इमरजेंसी प्लान या पर्टिकुलर उस क्षेत्र का प्लान अगर हमारे पास होगा, इसके साथ साथ जो विभिन्न इकाइयां उस समय काम करेंगी उनको मॉक ड्रिल के रूप में या सेफ्टी ड्रिल के रूप में अभ्यास करवाएं, तो ज़्यादा अच्छी तैयारी हो सकती है। जब आप घर पर हों तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखें, आपका जो LPG सिलेंडर है उसका रेगुलेटर और पाइप, उस पर ज़रूर ध्यान दें। इसके साथ साथ जो आपके प्लग हैं उन पर हैवी लोड ना हो, और इलेक्ट्रिकल वायर टेपिंग हो प्रॉपर वे में, इसके अलावा AC की वायर भी प्रॉपर वे में टेपिंग हो, ताकि वहाँ आग की संभावनाओं को कम किया जा सके। उद्योग में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें ये रहती हैं कि मान लीजिए कोई वेल्डिंग उद्योग है तो वहाँ हम हेलमेट और चश्मा अनिवार्य कर दें, दस्ताने अनिवार्य कर दें, सेफ्टी कोट अनिवार्य कर दें, उससे भी हम डिजास्टर से बच सकते हैं। जब हम ट्रैफिक की बात करते हैं तो ट्रैफिक एक्सीडेंट के समय हम लोग सुनिश्चित करें कि लोगों को फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रॉपर हो, वॉलंटियर्स पहुँच सकें,
इसके साथ साथ जो CPR है उसको भी हम वॉलंटियर्स को ट्रेंड कर दें ताकि वो उस वक्त जिन भी विक्टिम को, जिन भी घायल को CPR की ज़रूरत हो वो समय पर उपलब्ध हो सके। डिजास्टर प्रोन एरिया में हम बहुत से क्षेत्रों को शामिल करते हैं। डियर स्काउट्स एंड गाइड्स, बहुत वर्षों से आप देख रहे हैं कि ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ जो भगदड़ है, स्टेप जो मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात हम नहीं कर सकते, हम धार्मिक स्थान चाहे वो किसी भी राज्य में हो वहाँ डिजास्टर की संभावना बढ़ जाती है। यानी आपकी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, स्टेडियम, पॉलिटिकल रैलीज, इसके साथ साथ जो धार्मिक स्नान या धार्मिक घाट है वहाँ भी ये डिजास्टर प्रोन एरिया में हम शामिल करते हैं। उस समय ये ज़रूरी है कि जब बहुत अधिक भीड़ इकट्ठी हो हम ऐसी प्लानिंग पहले ही कर लें जिससे हमें ये अंदाज़ा हो कि जो इवेंट है वो कितने समय चलेगा, कितनी जो जनसंख्या है, जनसमूह है, उसका आयु वर्ग क्या होगा जो भाग लेगा। हम इसके साथ साथ निकासी और प्रवेश द्वार को भी थोड़ा चौड़ा रखें या उसमें जो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो आप अवरोध लगाते हैं, बैरिकेड्स लगाते हैं, वो टेम्परेरी हो, परमानेंट नेचर के ना हो, ताकि किसी भी दुर्घटना के समय, भगदड़ के समय वो ध्यान रखा जा सके। बच्चे जिन्हें कदम बहुत छोटे होते हैं वो आमतौर पे दहशत और डर में नीचे गिर जाते हैं और फिर उनका बचना, कदम भी छोटे होते हैं अडल्ट के मुकाबले, क्योंकि उस वक्त भीड़ जस्ट लाइक एनिमल बिहेव करती है और भीड़ का वो व्यवहार जो बिल्कुल पशुओं की तरह होता है, हर आदमी एक दिशा में दौड़ना चाहता है और अपने आप को बचाना चाहता है। उस वक्त किसी के दिल में, किसी के मन में ये बात नहीं होती किसी और को भी ख्याल रखा जाए। तो जहाँ पुल वगैरह पे या घाट वगैरह पे जो उसकी निर्माण सामग्री है, निर्माण प्रक्रिया है, उसका ध्यान रखें, कितनी लोडिंग कैपेसिटी है वो भी ध्यान रखें। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कितने दो दर्शन करने वाले लोग हैं या स्नान करने वाले भक्त हैं वहाँ पर भेजे जाएं। आपको भी जब ये साल शुरू हुआ जनवरी 2022 पहले ही दिन वैष्णो माता के दरबार में 12 लोग भगदड़ में अपनी जान गंवा बैठे, तो हम ध्यान रखें कि उस समय CCTV कैमरा प्रॉपर वे में काम करता हो ताकि हम देख सकें भीड़ कहाँ इकट्ठी हो रही है और उसे किस किस दिशा में डाइवर्ट करना है, भेजना है। इसके साथ साथ वार्निंग सिस्टम हो प्रॉपर और वॉकी टॉकी की हम हेल्प ले सकते हैं। जब मैं वार्निंग सिस्टम की बात करता हूँ ये इस संदर्भ में है कि एग्जिट और एंट्री को एक संतुलित, एक बैलेंस पॉपुलेशन के साथ रखा जाए, नियमित जन समूह वहाँ एंट्री करे और इसके साथ साथ जो वहाँ वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं उनको CPR की ट्रेनिंग्स हो, भीड़ में उनकी अलग से ड्रेस हो, वॉलंटियर्स के आई कार्ड अलग से हो ताकि उस समय जब वो डिजास्टर प्रोन एरिया में हों तो उनकी अलग से पहचान की जा सके। मीडिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीडिया में वो सब साधन शामिल हैं जो अफवाहों को दूर करके उस समय सही सूचना, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव अधिक सेफ्टी की ओर बढ़ा हुआ कदम है। जब चरण में सूचना होगी, हम लोग चाहे फैक्स की बात करें, टेलीफोन की बात करें, SMS की बात करें, ईमेल की बात करें, यूट्यूब की बात करें, फेसबुक की बात करें, या जो रिपोर्टिंग है लोकल न्यूज़पेपर्स की उसकी बात करें, या TV की बात करें, तमाम जो साधन है इसलिए उपलब्ध है कि हम सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। जब भी डिजास्टर होता है तो मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के साथ हमारे सामने आता है। बहुत सारी अफवाहें उस वक्त फैली होती हैं, उन उपायों को मीडिया हमारे सामने लेकर आता है जिससे उस अफवाह को फैलने में अधिक सहायता नहीं मिलती। हम ये कह सकते हैं कि मीडिया डिजास्टर मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो अफवाहों को नियंत्रित करके समाज को जागरूक करता है और सही सूचना उपलब्ध करवाता है, क्योंकि अगर मीडिया नहीं होगा तो फिर सूचनाएं जो हैं, क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज हैं जिसे हम मीडिया का नाम दे सकते हैं,
बहुत सारे मतलब साधन हैं, आर्टिकल्स हैं, जैसे फैक्स है, टेलीफोन है, एसएमएस है, ईमेल है, फेसबुक है। तो मीडिया दो तरह से हमारी हेल्प कर सकता है। पहली है अर्ली वार्निंग सिस्टम। अगर हमें ये अंदाज़ा हो जाए मौसम विभाग की सहायता से कि यहाँ पर ये नेचुरल डिजास्टर आने वाला है, तो हम पहले वार्निंग इशू करके हम कुछ बहुत अधिक बचाव कर सकते हैं। मुझे अब सुनामी तमिलनाडु की बात याद आ रही है, जब लोग सोते हुए बहे होंगे और कैसे उन्होंने अपने प्राण गंवाए होंगे। तो वह अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है, मीडिया की हेल्प से हम उस सूचना को अधिक से अधिक, जो कि एक खतरे वाली सूचना है, एक डेंजर इन्फॉर्मेशन है, उसको हम अधिक से अधिक कम्युनिकेट कर दें समुदाय में, ताकि समुदाय मानसिक रूप से उसके लिए तैयार हो। और जब ये डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर, क्योंकि डिजास्टर की तीन अवस्थाएं हम लोग देखते हैं। पहली है प्री डिजास्टर, डिजास्टर से पहले। डिजास्टर से पहले हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, तैयारी की बात करते हैं, बहुत सारे प्लानिंग्स करते हैं। मैं डॉक्टर विक्रम चौहान आपसे इस वक्त डिजास्टर की बात कर रहा हूँ। तो ये प्री डिजास्टर है, डिजास्टर से पहले है। तो मैं बात कर रहा हूँ दूसरी अवस्था की, ड्यूरिंग डिजास्टर, डिजास्टर के दौरान, या फिर पोस्ट डिजास्टर, डिजास्टर के बाद। तो अर्ली वार्निंग जो सिस्टम है मीडिया की, जहाँ हम हेल्प लेंगे, वो प्री डिजास्टर है। लेकिन डिजास्टर के दौरान भी राहत सामग्री कहाँ मिलेगी, इसके अलावा कहाँ सेफ जोन में आपको परिवर्तित होना है, या फिर किन किन अधिकारियों के ये नंबर्स हैं जहाँ आपको संपर्क करना है, आपका बच्चा, कोई परिवार का सदस्य गुम हो गया है। तो ये तमाम ड्यूरिंग डिजास्टर जो है मीडिया, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा भी हम ये देख पाते हैं कहाँ क्या समस्या रहती है, तो मीडिया ही हमारे सामने डिजास्टर के समय तमाम समस्याएं लेकर आता है। क्योंकि जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मीडिया के थ्रू किसी एजेंसी को मिलती है, तो हम क्विक रिस्पॉन्स की स्थिति में आ जाते हैं। अगर हमें वो चीज़ें ना मिलें, वो इन्फॉर्मेशन ना मिले, तो हम डिजास्टर पर आंख नहीं रख पाएंगे। डिजास्टर कैसे घटित हो रहा है, उसके परिणाम कहाँ अधिक हैं, कहाँ लोग फंसे हुए हैं, कहाँ मेडिकल फर्स्ट एड की ज़रूरत है, कहाँ पानी की ज़रूरत है, कहाँ भोजन की ज़रूरत है, कहाँ जो है व्यक्तियों के बहुत अधिक समूह के फंसने की संभावना है, ताकि वहाँ एजेंसी को एक्टिव किया जा सके और हम सब क्विक रिस्पॉन्स की स्थिति में आ सके। क्योंकि अगर मीडिया नहीं होगा, तो डिजास्टर के जो प्रभाव हैं या उपाय हैं, या जो उस समय हम बचाव उपायों के रूप में विभिन्न यूनिट्स काम कर रही हैं, उनके तालमेल को भी मीडिया प्रभावित करता है। और एनजीओ बहुत सारे हैं, गवर्नमेंट एजेंसी जो उस वक्त डिजास्टर में काम करती हैं, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि वॉलेंटियर सेक्टर्स के बिना हम लोग इस काम को कर पाएं। तो बहुत सारी ऐसी गैर सरकारी संगठन हैं जो भोजन बांटना, लोगों को निकालना, राहत शिविर में काम करना, कंट्रोल रूम की हेल्प करना, ये तमाम चीज़ें तभी संभव होती हैं जब वॉलेंटियर सेक्टर्स एक्टिवेट हो। और चाहे वो एनजीओ हो या सीबीओ हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। उस वक्त तीन तरह की एजेंसी काम करती हैं, जो कम्युनिटी बेस्ड हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल हैं और जो गवर्नमेंटल हैं। ये तमाम एजेंसी मिलकर वहाँ भोजन, बचाव, लोगों का निकालना, राहत सामग्री पहुँचाना, इसके अलावा लोगों को सेफ जोन में लेके आना के साथ साथ डिजास्टर में जो बचे हुए लोग हैं या जो घायल लोग हैं, उन सबको सुरक्षित स्थान पर लेकर जाना। तो प्यारे डियर एंड डियर स्काउट्स एंड गाइड्स, आपको आरपी के लिए, राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। लोगबुक को, इन तमाम 10 यूनिट्स को शामिल करते हुए लोगबुक बनाइए और 40 पेज कम से कम रखिए। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बिच्छू
ना यूजर नेम बता दो, वही भेज दूं बट ऐसे ही कर देना डाउनलोड करके।